बिहार के भ्रष्ट अधिकारी पदाधिकारी गण, ये सब ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ये मैं अभी मौजूद हूँ रोहतास जिला के मलियाबाग में, और यहाँ पर ये देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर लगी हुई है, जिनका चश्मा से लोग यहाँ पर स्वच्छता अभियान मनाते हैं, और इनका चश्मा का प्रतीक स्वच्छता अभियान के तौर पे किया जाता है। यहाँ पर इनके फोटो के साथ तो खिलवाड़ हुआ ही हुआ है, मैं दिखाना चाहूंगा इनके जस्ट सामने। देखिए ये स्कूल का मेन गेट है, जिस जहाँ से लोग प्रवेश करते हैं, प्रवेश द्वार इसको भी कहते हैं। यहाँ पर प्रवेश करते ही यहाँ पर तमाम तरह की जो कचरा है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक तरफ महात्मा गांधी की तस्वीर नजर आ रही है तो दूसरी तरफ कचरा नजर आ रहा है। मैं पूछना चाहूंगा यहाँ के पदाधिकारी लोगों कि यहाँ पर अक्सर आप लोग जाते रहते हैं, ये मलियाबाग में मैं मौजूद हूँ, विद्यालय के प्रिंसिपल के द्वारा लगातार बार बार इसमें इस विद्यालय के लिए आवेदन भी दिया जा रहा है डीएम साहब के पास, लेकिन डीएम साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर रात्रि विश्राम के लिए भी आए थे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पर कुछ लोग हैं, क्या कहना चाहेंगे? डीएम साहब आए थे जी, पर डीएम साहब ना नल जल को भेजना किए थे। डीएम साहब कभी मिडिल स्कूल पे घूमे नहीं आए थे। अच्छा, डीएम साहब इस गांव में डीएम साहब आकर के केवल हमारी पंचायत में जो मिनी ब्लॉक है, डीएम साहब दो चार दिन ठहरे थे, पर डीएम साहब हर एक पंचायत में ना नल जल को भेजना किए थे। कभी डीएम साहब ने गरीब के बच्चा के स्कूल में पढ़ रहा था जी, वो स्कूल में कभी डीएम साहब नहीं आए। देख रहे हैं कैसे कैसे बच्चा पढ़ रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ रहे, कहाँ कचरा कहाँ नहीं है। डीएम साहब इसमें आवाज कभी नहीं उठाए। डीएम साहब खाली नल जल को भेजना में आवाज उठाए। आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ के ये ग्रामीण है जो कितने भाव के साथ ये बात कह रहे हैं, कितने विश्वास के साथ कह रहे हैं कि डीएम साहब तो आए तो थे यहाँ पर, लेकिन केवल और केवल जल नल योजना के जांच करने के लिए आए थे, कभी इस विद्यालय में नहीं आए। क्योंकि यहाँ पर गरीब का बच्चा पढ़ता है, यहाँ पर दलित का बच्चा पढ़ता है, यहाँ पर असहाय और असमर्थ लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, और इसीलिए यहाँ पर कोई भी पदाधिकारी अधिकारी यहाँ पर नहीं आता है। जबकि यहाँ पर प्रिंसिपल का कहना है कि डीएम साहब को हम यहाँ पर कई एक बार आवेदन दिए हैं, फिर भी डीएम साहब यहीं से आकर के चले जा रहे हैं, लेकिन इस विद्यालय का निरीक्षण डीएम साहब नहीं कर रहे हैं।